मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुए दिल दहला देने वाले हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं वो बुरी तरह झुलसे हुए हैं। करीब 15 से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज घायलों और मृतकों के परिवार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। बीती रात मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुए बस हादसे में जलने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 16 से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए। दिल दहला देने वाला गुना बस हादसे में झुलसे घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायलों और पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश किए जा चुके हैं। इस घटना के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम प्रबंध करेंगे। मोहन यादव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। प्रशासन इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोके इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी मैं स्वयं जा रहा हूं और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा भी हो इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। गुना में हुई बस दुर्घटना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि गुना की घटना हृदय विदारक है। घटना में मृतक भाई बहनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। किन कारणों से ऐसी घटना हुई उसका पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। जो गुना केंद्र कहा मैं बहुत इस प्रकार की घटना और जिसमें हमारे अपने भाई और बहन चले गए मैं उनके प्रति उनके परिवार के प्रति परिवार को सांत्वना देता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि जिस प्रकार से ऐसी दुर्घटनाओं के कारण और प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ संवेदनशीलता के साथ वो गए भी हैं तत्काल कार्रवाई की है और इसमें ऐसी कोई भी चीजें होंगी उस पर शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।